में शामिल होंगे और दोपहर तक जारी हो सकती है सूची बीजेपी के महापौर उम्मीदवारों की, और इसका काफी इंतजार भी है। सुबह बीजेपी प्रदेश की फिर से बैठक होने जा रही है। प्रदेश बीजेपी की आज अहम बैठक है और मुख्यमंत्री शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, दोपहर तक बीजेपी के महापौर उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। तो दोपहर तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है जो महापौर के प्रत्याशी होंगे, और तमाम अटकलें इसे लेकर लगाई जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि आज दोपहर तक ये जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो साफ हो जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, दोपहर तक बीजेपी के महापौर उम्मीदवारों की सूची आज जारी हो सकती है। और हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, कब तक ये बैठक शुरू होगी और क्या ये मान लिया जाए कि आज जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी फाइनल होकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज आधा दर्जन नाम जो है महापौरों के वो सामने आ ही जाएंगे, क्योंकि पांच नाम कल ही तय कर लिए गए थे। कुछ नामों को लेकर संशय की स्थिति है, खासतौर पे भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में पेंच फंसा हुआ, क्योंकि दिग्गजों की राय यहाँ पर मेल नहीं खा रही है। ग्वालियर में खासतौर पर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंदौर में बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, तुलसी सिलावट हैं, सुमित्रा महाजन हैं, अपने अपने प्रत्याशियों का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह अगर हम भोपाल की बात करें, यहाँ बड़े नेताओं की चॉइस की बजाय यहाँ पर नाम को लेके कमी आ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो नाम है उनमें मालती राय और राजू मालवी जैसे नाम है, क्योंकि कृष्णा गौर के संदर्भ में ये माना जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो विधायक बनी रहना चाहती है। तो यही कारण है कि भोपाल में भी पेच फंसा हुआ है। तो कई बड़े शहरों में हालांकि अभी पेंच फंसा है, जबलपुर में भी यही स्थिति है, यानी महानगरों में नाम तय नहीं कर पा रही भाजपा, लेकिन कुछ छोटे शहरों के नाम तय हो गए हैं जिनकी आज घोषणा हो सकती है। जी जी बहुत शुक्रिया अनुराग आपके तमाम जानकारी के लिए।